हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एक तुम ही तो हो जो मेरे अंतर मन को देख सकती हो, इसलिए तुमसे मेरा कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुम्हारा अनुमान सही है देवी, इस संसार की माया ने मेरे एक भक्त को दुख की जंजीरों में इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे कोई विशाल नाग एक कमजोर मनुष्य को अपनी पकड़ में जकड़ लेता है। श्री कृष्णा, संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देते हैं। जिनको बाकी चावल का ये दाना अर्पण करने जा रहे हो, भला उनको इसकी क्या कदर होगी? मुझ पर चाहे जितना भी क्रोध कर लो, परंतु अपने अंतर में श्रद्धा और भक्ति का दीपक मत बुझने दो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य करती हूँ। मेरे चावल का आधा दाना भी साथ ही चढ़ा दो। हा? अपने उस भगवान को खिला दो, अपने उस मित्र को, उसी का पेट भरने दो। सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। दोनों ने निभाई मित्रता की बन गई युग की गाथा, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। निर्धन था सुदामा कृष्ण द्वारिकाधीश थे, एक रंग था एक था राजा, बचपन के दो मीत थे। है तो सुदामा कृष्ण मित्र पर भाग्यहीन बेचारा, पत्नी के कहने पे सुदामा द्वारिकापुरी सिधारा। द्वारपाल क्या रोक सके जो, द्वारपाल क्या रोक सके जो कृष्ण शरण में आता। भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। कृष्ण सुदामा, कृष्ण गले लगा के कृष्ण सुदामा को सिंहासन बैठाए, चुन चुन पांव से कांट निकाले, आंसू से पग धोए। पत्नी ने जो दी थी पोटली, रंग सुदामा छुपा रहा। कैसे द्वारिकाधीश को दे दूं, कृष्ण से आंखें चुरा रहा। छीन लिया प्रभु जी ने पोटली, भर चावल के बदले तीनों लोक दे डाला। भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की, भक्ति सुदामा की मित्रता कृष्ण की। कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा।
भगवान। देवी तुम? हाँ प्रभु, मैं। क्या बात है देवी, आज तुम्हारे मुखमंडल पर तनिक वेदना का भाव झलक रहा है, ऐसे क्या बात हो गई देवी? यही बात मैं आपसे पूछने आई हूँ प्रभु, कि आपके मुखमंडल पर भावुकता की एक ऐसी झलक देख रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपकी मुरली में भी आज एक गहरी वेदना के सुर गूंज रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई है प्रभु? कहीं कोई परम भक्त अत्यंत दुखी तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भक्त संसार की माया से पीड़ित हो और उसकी विवशता देखकर आपकी मुरली के मधुर स्वर भी व्याकुल हो गए हैं? एक तुम ही तो हो जो मेरे अंतर मन को देख सकती हो, इसलिए तुमसे मेरा कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुम्हारा अनुमान सही है देवी, इस संसार की माया ने मेरे एक भक्त को दुख की जंजीरों में इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे कोई विशाल नाग एक कमजोर मनुष्य को अपनी पकड़ में जकड़ लेता है, उसकी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करता है। वही हाल हो रहा है मेरे उस भक्त का, और मेरी विवशता है कि मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता। श्री कृष्णा, 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 श्री कृष्ण। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देते हैं। Thank you.
पत्नी भी भूखी सोई है, सो आधा चावल का दाना उसके लिए रख दिया। स्वयं आधा चावल का दाना खाएगा, वाह, इसे कहते हैं संतोष। अरे ये क्या, बाकी आधा दाना तो मुझे अर्पण कर रहा है। जिनको बाकी चावल का ये दाना अर्पण करने जा रहे हो, भला उनको इसकी क्या कद्र होगी। मुझ पर चाहे जितना भी क्रोध कर लो, परंतु अपने अंतर में श्रद्धा और भक्ति का दीपक मत बुझने दो। अच्छा भक्तराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करती हूं, परंतु इतनी बात समझा दीजिए मुझे। क्या? यही कि आपको बाकी चावल का एक दाना मिला, सो आपने ये सोचकर कि वसुंधरा 2 दिन से भूखी होगी, आधा मेरे पास रख दिया और बाकी का आधा आपने स्वयं क्यों नहीं खाया? अपने उस भगवान को खिलाने क्यों चले गए? यदि ऐसा ही है तो ये लो, मेरे चावल का आधा दाना भी साथ ही चढ़ा दो। क्यों, तुम नहीं खाओगी? नहीं, भूख लगी होगी। जिसके पति को भूख नहीं लगती, उसकी पत्नी को कैसे भूख लग सकती है? ये चावल भी अपने उस भगवान को खिला दो, अपने उस मित्र को, उसी का पेट भरने दो। प्रभु को भेंट करना है तो अपना हिस्सा अपने हाथों से अर्पण करो, परंतु श्रद्धा और भक्ति के साथ। अब आओ। हे सर्वात्मा, हे विश्वात्मा, शास्त्र कहता है श्रद्धा और भक्ति से अर्पण किया हुआ एक पत्ता हो, एक फूल हो, चाहे पानी की एक बूंद हो, वह आप उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। सो
हे देव, हम श्रद्धा और भक्ति के साथ ये तुच्छ भेंट आपके उस विश्वात्मा रूप को अर्पण करते हैं, इसे स्वीकार करें ताकि समस्त विश्व के प्राणियों की आत्मा तृप्त हो जाए। लीजिए, आपके हिस्से का भी आ गया। आगे चलकर आपको इसका दाम चुकाना पड़ेगा। अहम विश्वात्मने स्वाहा, इसमें विश्व की समस्त आत्माएं संतुष्ट हों। वाह, आज पहली बार भक्त की थोड़ी सी सेवा करने का अवसर मिला। प्रभु, ऐसे अवसर रोज तो नहीं मिलेंगे, परंतु पेट तो रोज खाना मांगता है, कैसे निर्वाह होगा इनका भिक्षा मांगने से? भवती भिक्षाम दे। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। भवती भिक्षां दे, भिक्षां दे भवती। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। ये बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आती भगवन, कि आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्त की कुछ भी सहायता नहीं कर रहे हैं। भवती भिक्षां दे। अरे कौन है? भवती भिक्षां दे। अभी मैं काम में व्यस्त हूँ, कल आना। संजय, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। भावती भिक्षां दे। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वाह, क्या संतोषी जीव है, किसी से कोई रोष नहीं, कोई दुख नहीं। इसे कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा। परंतु एक प्रश्न है प्रभु। क्या देवी? इस नगर के लोगों का हृदय इतना कठोर क्यों है, जैसे इनके दिल पत्थर हो गए हैं। ये जो भाग्य की देवी है ना, जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं, ये सब उसी का ही काम है। वो इन लोगों का दिल पत्थर बना देती है, उस क्षण के लिए उनकी दया भावना शून्य हो जाती है और उसकी झोली खाली की खाली रह जाती है। तो प्रभु, आप ही किसी एक के दिल में थोड़ी सी दया भर दीजिए, जिससे
आज का भोजन तो मिल जाए। इसके परिवार ने तो दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब स्वयं लक्ष्मी देवी ने उनकी सहायता का संकल्प कर लिया है तो फिर क्या आवश्यकता है। आप स्वयं ही किसी के मन में दया की भावना डाल दीजिए, परंतु जल्दी कीजिए, वो पांचवें घर पहुंचने वाला है। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं ही कुछ कर देती हूँ। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। ब्राह्मण देवता, तनिक ठहरो, मैं भिक्षा लाती हूँ। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। लो, आज पूनम है, घर में खीर बनी थी, आज बच्चों को खीर खिलाना। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वहाँ सामने वाले घर में आज उत्सव है, वहाँ ब्राह्मणों को वस्त्र बांट रहे हैं, नई धोती मिल जाएगी। नहीं देवी, मेरे पांच घर आज पूरे हो चुके हैं, ब्राह्मण का छठे घर में जाने का विधान नहीं है देवी। मैंने तो इसलिए कहा था, तुम्हारी धोती जगह जगह से फट गई है, वहाँ से नई धोती मिल जाएगी, नहीं जाना तो तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री प्रभु। देखा रुक्मिणी, यही प्रारब्ध की देवी का कमाल है। आपने जो उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में ये खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई। उस स्त्री को, एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। परंतु प्रभु, इसकी भूख का क्या होगा, कैसे कटेगा इसका कष्ट। देवी, अब वो समय भी आने ही वाला है जब ये मुझसे सहायता मांगने पर विवश हो जाएगा। अब थोड़ा ही समय रह गया है।
धेनु को कैसे भूल गया? मैं धेनु को उसका हिस्सा देकर आता हूं। असल में बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए तुम्हें भूल गया। माता मुझे क्षमा कर देना। माता जी, माता जी, बहुत दिनों से भूखा हूं, भोजन देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। मेरा भोजन हो गया वसुंधरे। मेरा पेट भर गया। पेट भर गया? हाँ। भोजन करने से पहले ही? असली बात क्या है प्रभु? जब मेरा भक्त भोजन नहीं कर सका तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? किसने भोजन नहीं किया वासुदेव? सुदामा ने। ये सुदामा कौन है और उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया? सुदामा? सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है, उसे और उसके परिवार को संपूर्ण भोजन हर दिन नहीं मिलता है, फिर भी सुदामा धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। गृहस्थ प्राणी का धर्म है कि भोजन के पहले ही भोजन का एक हिस्सा अपने पशुओं को और एक हिस्सा भोजन के समय कोई अतिथि आया हो तो उसे खिलाना चाहिए। आज सुदामा ने यही किया और अतिथि को देने के बाद स्वयं सुदामा के लिए कुछ भी बचा नहीं। ये होता है धर्म पालन। ऐसा लगता है ये भक्त आपको बहुत प्रिय है। हाँ देवी। क्यों? देवी, वास्तव में धर्म पालन का मार्ग बहुत कठोर है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले महान होते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते। वो कभी भी
अधर्म की उंगली पकड़कर धर्म का मार्ग छोड़ नहीं देते। भाभी जी, एक बार, केवल एक बार यदि राजा की कृपा हो गई तो आपके भाग्य के जो दरवाजे बंद हैं शीघ्र ही खुल जाएंगे, और जिस गरीबी ने आपके घर में आश्रय लिया है वो गरीबी राजा के केवल एक इशारे से इस घर का त्याग कर देगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति कल आपके साथ राजा के पास अवश्य जाएंगे। प्रेम वीर तुम, दान वीर तुम, सुंदरता के पुजारी, दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारे। जय जय महाराज महाराजाधिराज, जय महाराज जय महाराज महाराजाधिराज। जादू है तुम्हारे हाथों में, चहूं और तुम्हारी ख्याति है, मदिरा को हाथ लगा दो तो मदिरा अमृत बन जाती है, मदिरा अमृत बन जाती है। तुम इंद्रों से भी इंद्र बड़े, ये इंद्र स्वभाव बतलाती है, ये इंद्र स्वभाव बतलाती है। जिस नारी पे तुम हाथ रखो इंद्राणी वही कहती है, इंद्राणी वही कहती है। रति खेल निपुण सौंदर्य पार की, कामदेव अवतारी, दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारी। जय जय महाराज महाराजाधिराज, जय जय महाराज महाराजाधिराज। वाह 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 चक्रधर वाह। तुम्हारा ये मित्र क्या नाम बताया था तुमने? जी सुदामा, सुदामा। उससे कहो क्या लिखा है हमें सुनाए। जी सुदामा, इस तरह उठना, गा गा ना। अरे गाना, अरे गा, अरे गाना, गाना का, गाना का, गाना का। हाँ? नहीं चक्रधर, मुझसे नाटक नहीं होगा। अरे मूर्ख हो गए हो क्या? राजा की आज्ञा नहीं मानी तो बंदी घर में डाल देंगे। हम दोनों को मार डालेगा। अरे जल्दी गाना। जो याद है वही सुना दे, जो याद सुना वही सुना दे। मुझे कुछ दोहे याद हैं। अब दोहे वही सुना दे, इस अवस्था में उसको क्या समझ में आएगा। सुना सुना। अरे सुनाओ सुदामा सुनाओ। सुनाओ सुदामा सुनाओ। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। दो दिन के सब ठाठ हैं, दो दिन की ये शान, भज ले हरी हरी ओ भज ले हरी हरी, सुन राजा भज ले हरी हरी। कल
कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। भजले हरी हरी ओ, भजले हरी हरी ओ मूरख, भजले हरी हरी। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे तब अमृत की प्यास। भजले हरी हरी ओ, भजले हरी हरी ओ पगले, भजले हरी हरी। कोई तेरे पाप का भाग न बाटन हार। कोई तेरे पाप का भाग न बाटन हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले हरी हरी ओ, भजले हरी हरी ओ मूरख, भजले हरी। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले बकवास। कोई है? ये मूरख हमें मृत्यु का द्वार दिखाने आया है। इसे ही मृत्यु के द्वार तक ले जाओ और महल की छत से नीचे फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। नहीं, नहीं महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज, इस बेचारे को क्षमा कर दीजिए। इसे छत से फेंको नहीं, केवल धक्के मार कर निकाल दो। जे जाओ। जो आज्ञा महाराज। चक्रधर जा, चला जा। तेरे भाग्य अच्छे जो तुझे राजा जी ने जीवित छोड़ दिया। जा। देखिए, जब आप मेरी खातिर एक भोग विलास से घिरे हुए राजा के पास जा सकते हैं, तो फिर मेरी ही खातिर आप अपने श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते? उन द्वारिकाधीश को आप भगवान मानते हैं, उनके परम भक्त भी हैं, तो फिर अपने भगवान के पास भक्त को जाने में क्या अड़चन है? क्या हिचकिचाहट है? क्या शर्म है? अब जीवन के अंतिम पहर में एक मित्र का एहसान लेकर कनौला क्यों बनाती हो मुझे? जो तीनों लोकों के ठाकुर हैं, जिन्हें दीनहीन ही प्यारे हैं, ऐसे मित्र के सामने एक बार क्या हजार बार भी कनौरा बनना पड़े तो लाज नहीं करनी चाहिए स्वामी? वसुंधरे वसुंधरे, अब और हट ना करो। ये समझ लो कि जब कोई मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि कुछ दो, तो उसके मान, बड़ाई, प्रेम, गरुआपन, स्नेह, इन पांचों का तत्काल नाश हो जाता है। इसीलिए कहा है,
विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए, विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए, विपत्ति पड़े पे द्वार न जाइए। क्या कर रही हो? हाथ मत लगा, बहुत दुखता है। थोड़ा दुखेगा पर घाव पर तेल लगा देती हूँ, कल तक आराम हो जाएगा। तेल 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 कहाँ से लेकर आई हो? दीपक में थोड़ा सा है। ये तेल मत लगाओ। क्यों? तेल लगाने से घाव भर जाएगा। घाव तो भर जाएगा परंतु दीपक में इतना सा ही तो तेल बच गया है। यदि कल भिक्षा न मिली तो घर में दीपक भी नहीं जलेगा, इसलिए कल के लिए इस तेल को दीपक में ही रहने दो। मेरा घाव इतना गहरा नहीं है, सोए भी ठीक हो जाएगा। जाओ, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। ऐसे हठी ब्राह्मण की आप भी कुछ सहायता नहीं कर सकते, कैसे भगवान हो? ये मुझसे सेवा नहीं कराते ना सही, आप ही इनके घाव भर दो। आपके भक्त भी हैं और मित्र भी। इसे क्षमा कर देना प्रभु, पगली है। लो देवी, पत्नी ने आदेश दे दिया कि मैं स्वयं जाकर सुदामा की सेवा करूं और सुदामा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि पगली समझकर उसे क्षमा कर दूं। तो आप किसकी बात मानेंगे प्रभु? दोनों की। अर्थात? मैं समझी नहीं। एक की सेवा कर दूंगा, दूसरे को क्षमा कर दूंगा।
मैंने तुम्हें मना किया था ना, तेल मत लगाओ, फिर क्यों लगा रही हो? ये नींद में किससे बातें कर रहे हो? तुमसे तो कह रहा हूं तेल मत लगाओ। परंतु मैं कब तेल लगा रही हूं? तेल नहीं लगा रही हो तो फिर क्या लगा रही हो? मैं तो सो रही हूं। सुंदरे, अभी अभी तुमने मेरे घाव पर तेल लगाया है, ये देखो तेल की चिकनाहट। क्या कह रहे हैं आप, चिकनाहट कहां से आ गई? ये देखो अरे ये तो क्या, ये तो माखन है। ये कैसा चमत्कार? ये चमत्कार नहीं, दिव्य घटना है। दिव्य घटना कैसी? ये देखिए माखन की कटोरी, ये अपने आप तो यहां नहीं आ सकती, इसे कोई लाया होगा। कौन लाया होगा? नहीं समझे नाथ, मैंने जो ताना दिया था आपके मित्र श्री कृष्ण को कि वो स्वयं आकर आपकी सेवा क्यों नहीं करते, वो इसके उत्तर में वो सचमुच ही माखन की कटोरी लेकर स्वयं चले आए। उसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, मुझसे पाप हो गया, मैं पापी हूं। पापी तुम नहीं वसुंधरा, पापी तो मैं हूं जिसने अपने हट के कारण अपने स्वामी को, अपने प्रभु को यहां आने पर विवश कर दिया। इतना कष्ट दिया उन्हें, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, 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 मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और क्या सुनूं मैं, तुमने तो मुझे पापी बना दिया। मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या लगता है तुम्हें? इसमें मुझे प्रभु का एक संदेश लगता है। कैसा संदेश? यही कि जैसे वो कह रहे हो कि यदि तुम मेरे पास ना आने का हट करते रहोगे तो मुझे स्वयं तुम्हारे पास आना पड़ेगा। स्वयं आना पड़ेगा? हाँ। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं, नहीं प्रभु।
मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा प्रभु, मेरे मेरे हट को क्षमा कर दो प्रभु, मेरे हट को क्षमा कर दो प्रभु, मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा प्रभु, मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा प्रभु। बधाई हो प्रभु, बधाई हो, वो आ रहा है, आप यही चाहते थे ना, लो भगवान की जीत हो गई। ये भगवान की जीत नहीं रुक्मणी, एक मित्र की जीत है, एक मित्र पर निस्वार्थ मित्रता के प्रेम की जीत है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। सुशीला बहन, थोड़े से तंदूर मांगने आई हूं, हो सके तो दो मुट्ठी तंदूर उधार दे दो। ये द्वारिका देश से मिलने जा रहे हैं, राजा के पास खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, इसे ले आना पड़ा। बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई, राजा के पास जा रहे हैं तो दो मुट्ठी क्यों, सारे ले जाओ। नहीं नहीं बहन, इतने की आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण की भेंट तो केवल प्रतीक स्वरूप होती है, थोड़े से चावलों को भी प्रभु बहुत मान लेंगे। अच्छा ये लो। ये लीजिए, सुशीला से थोड़े से तंदूर ले आई हूं, मेरी ओर से प्रभु को यही भेंट कर देना। अंतर्यामी है, मेरी भावना से ही प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे पास इतना ही है प्रभु। इतना भी बहुत है मित्र। अरे वाह प्रभु, आपकी भाभी ने तो आपके मजे करा दिए, अकेले मत खा जाना। चला सुदामा कृष्ण से मिलन बारी का धाम, जहां सुदामा के बसे सखा घनश्याम, बाल सखा घनश्याम। चरण झरते ही कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं में, तीनों लोक सहम गए अचरज से देख रहे, कौतूहल व्याप्त हुआ
सारे देवताओं में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि हरि देना डाले दान में। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। डर गए कुबेर पंच मेरु डगमगाने लगे, इंद्र का न चित्त लगे नृत्य और गान में। मित्र से मिलेगा मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु, जान क्या लुटा दे नाथ मित्र के सम्मान में। भगवान, आपका भक्त तो शीघ्र हिम्मत हार बैठेगा। मुझे नहीं लगता कि द्वारिका तक पहुंच पाएगा। देखते हैं। Oh,
अरे ये क्या कर रहे हो? विप्रवर, आपकी वेशभूषा देखकर लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं तथा आपकी आंखों में आध्यात्मिक तेज भी है, जिसे देखकर मन ने चाहा कि आपका आदर सत्कार करूं। भला एक सच्चे ब्राह्मण का आदर करने का अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? ये सश्री भावा, बड़े संस्कारी लगते हो। क्षमा करें दीन बंधु, आप आ कहां से रहे हैं और आप जा कहां रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। परंतु इतनी कड़ी धूप में इस पीड़ा में भी आप यात्रा कर रहे हैं? अरे पीड़ा कैसी, तुम्हारी बंसी की धुन सुनते ही सारी पीड़ा दूर हो गई है। किशन कन्हैया की याद आ गई। बड़ी मनमोहक धुन बजा लेते हो तुम, बिल्कुल किशन कन्हैया की भांति। किससे सीखा ये जादू, ये धुन? ये धुन भी श्री कृष्ण की धुन है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मेरे भगवान भी हैं और मेरे परम मित्र भी। उनके दर्शनों की अभिलाषा से ही द्वारिका जा रहा हूं। तुम भी द्वारिका जा रहे हो? मैं द्वारिका में ही रहता हूं ना। हाँ अच्छा हुआ आप मिल गए, अब यात्रा आराम से कटेगी। मैं अपनी धर्मपत्नी को मायके छोड़ने गया था, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं, मेरे पग ही आगे नहीं उठते। अरे पग उठाने में तो मुझे आपत्ति है, तुम्हें कैसी कठिनाई? तुम तो अच्छे भले जवान हो। अरे कुछ ना पूछो, ये ससुरी जवानी ये खुद ही 10 कठिनाइयों की एक कठिनाई है, और उस पर ये अकेलापन। हाय, धर्म पत्नी को मायके छोड़कर जब पग आगे बढ़ाता हूं तो मन बावरा पीछे दौड़ने लगता है। क्या करूं, लक्ष्मी देवी की याद पीछा नहीं छोड़ती। लक्ष्मी देवी यानी तुम्हारी पत्नी? हाँ वो तो बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। उसकी याद में कभी मुरली बजाता हूं और कभी गाना गाता हूं। लक्ष्मी जैसी हमरी होए, लक्ष्मी जैसी हमरी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रह जाए ना हो, दुल्हनिया बिन रह जाए ना। मान्यवर, आप अपनी पत्नी की याद में गाना नहीं गाते? नहीं नहीं, मैं नहीं गाता ऐसे गाने, मैं तो भगवान की स्तुति गाता हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। फिर भी आपको अपनी पत्नी की याद तो सताती होगी। सच सच बताइए, सताती है ना? देखिए मित्र, मित्र से मन की बात छुपाने नहीं चाहिए। बताइए बताइए बताइए। तुम भी बड़े विचित्र प्राणी हो, एकदम विचित्र। अभी दो पल ही नहीं हुए मिले हुए, लगे मित्रता जताने। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अरे अरे ब्राह्मण देव, बुरा क्यों मानते हो? अरे ब्राह्मण देव। अरे भैया,
गीत ही गाते रहोगे या रात्रि का सोने का कुछ प्रबंध भी करोगे? अरे इधर उधर कोई गांव हो तो उधर चलो। मान्यवर, अब गांव कहां ढूंढेंगे? अरे वो देखिए, वो टूटा हुआ खंडहर। चलिए रात यहां आराम से कट जाएगी। चलिए। हाँ हाँ चलो चलो। श्री कृष्ण। वाह, रात का ठिकाने के लिए कितना रमणीय स्थान मिल गया। वाह, आइए ब्राह्मण देवता। तुम चलो, मैं भी आता हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री श्री कृष्ण। जय श्री मन में आता है वही करते हो। तो अब श्री गणेश करे ब्राह्मण देवता। आरंभ करें। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब माँ, माँ भूख लगी है, खाना दो ना। माँ मुझे भी भूख लगी है, खाना दो ना। माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। आज ऐसे ही सो जाओ बेटे, त्वरिका से जब पिताजी आएंगे तो जी भर के खाना खाना। सो जाओ। आप भी तो यात्रा करके आए हो, आप भी तो भूखे हो। मुझे पर मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। इतना तो बता दो कि भूखे होते हुए भी भोजन ना करने का कारण क्या है? मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं भूखा छोड़कर आया हूं अपने पीछे। जय श्री कृष्ण।
सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इसी खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा, तथा इन दिनों ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक सभी गांव के ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। आ बेटा, आओ आओ आओ। प्रणाम। वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो। हाँ, ब्राह्मण ही हूं। ब्राह्मण हो तो यहां खंडहर में अकेले बैठे क्या कर रहे हो? जाओ वहां पास वाले गांव में, जहां सभी ब्राह्मणों को खीर पूरी बट रही है। आज 2 दिन से 10 कोस तक किसी ब्राह्मण के घर चूल्हा नहीं जला होगा। रथों में भर भर कर पकवान और खीर पूरी हर ब्राह्मण परिवार के वहां पहुंचाई जा रही है। 10-10 कोस तक हर गांव में। हाँ, हर गांव में। ब्राह्मणवाड़ी, समता नगर, मैनपुरी, जनकपुरी और वृंदापुरी में भी खीर पूरी बट रही है। हाँ, वृंदापुरी में भी। अरे भाई, मैं कल स्वयं उपस्थित था वहां वृंदापुरी में। मेरे सामने हर एक ब्राह्मण परिवार को बुला बुला कर खीर पूरी दी गई। वहां का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया। केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहां गांव में। कौन नहीं था? लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। सुदामा? हाँ, सुदामा। क्या आप जानते हैं उन्हें? मैं ही तो हूं वह भागा ब्राह्मण। सभी को खेद था कि कैसे समय नहीं है गांव में सुदामा। अरे मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ मेरे बच्चों और पत्नी को भोजन मिला कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं विप्रवर, आपके परिवार की आत्मा तृप्त हो गई होगी खीर पूरी खाकर। हाँ? मेरे सामने सांवले शाह के सेवकों ने आपकी पत्नी और बच्चों को खीर के दोने भर भर के दिए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। चलो श्री कृष्ण। अरे 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 अरे, ये क्या? बड़े स्वार्थी हो जी। हमने आपके कारण अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन तक नहीं खाया, और आप किसी सांवले शाह की खीर पूरी खाने चल दिए, हमें पूछा तक नहीं। वाह, शपथ भगवान श्री कृष्ण की, अपने जीवन में ऐसा स्वार्थी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा है। क्षमा करना भैया, भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भैया, मेरे नाम का भोजन तो यही रखा है। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए, मैं यही खा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्षमा करना भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भैया क्षमा करना, भूल हो गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवता जी, मैंने आपसे पहले कहा था ना, इस भोजन के दाने दाने पर आप ही का नाम लिखा हुआ है, परंतु आप मानते ही नहीं थे। मन जो नहीं मान रहा था, अब तो मन मान गया ना, अब तो सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, जी भर कर खाइए। जल लीजिए। जिन्हें भोग अर्पण करे नित सारा संसार, उनके हाथों पारा भाग्यवान सत्कार, पुण्यवान सत्कार।